महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इलेक्शन लड़ा प्रधानमंत्री पद के लिए और कांग्रेस के अत्याचार से परेशान लोगों ने उन्हें खूब समर्थन भी किया और परिणाम ये निकला कि 336 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीत गए। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ अपनी सरकार की शुरुआत की, लेकिन दोस्त 2014 से 2019 के टाइम पीरियड के बीच विकास नाम की चिड़िया तो उड़ी ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 के इलेक्शन में मोदी जी को पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ 2019 के इलेक्शन में विजयी हुए? क्या उन्होंने कोई ट्रिक लगाई? जी हाँ, उन्होंने एक ट्रिक लगाई और यकीन मानिए दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में उस ट्रिक के बारे में भी बताएंगे और उसका तोड़ भी बताएंगे। बस आप एक काम करिए, वीडियो पूरा देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको विकास का वास्तविक मतलब बता देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि वास्तव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि भाई हम ही गलत सोच रहे हो। दोस्तों, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि किसी देश के विकास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। वो पिलर्स क्या हैं? जिनमें पहले नंबर पर आता है शिक्षा, यानी कि किसी देश की शिक्षा स्तर अगर सुधरेगी तो उस देश का विकास होगा। दूसरा नंबर आता है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, यानी कि उस देश की तकनीकी व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। तीसरा नंबर आता है हेल्थ सिस्टम, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं वो भी सुधरनी चाहिए। चौथा होता है रिसोर्सेज रीच बढ़नी चाहिए, यानी कि जो हमारे संसाधन है अगर वो देश के अंदर बढ़ेंगे तो महंगाई कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। 2014 से 2019 के टाइम पीरियड के बीच इनमें से कौन से स्तर पर काम हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में अगर बता सकते हैं। हाँ, सफाई अभियान और नोटबंदी जैसे कुछ असफल प्रयास ज़रूर किए गए थे। अब आते हैं 2019 के इलेक्शन पर। अब जाहिर है, जब कुछ प्रोग्रेस हुआ ही नहीं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो मोदी का हारना तो तय था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, उससे पहले यानी कि जो इलेक्शन स्टार्ट थे, आई थिंक 11-12 अप्रैल के आसपास स्टार्ट थे, और सही 2 महीने पहले 14 फरवरी को भारत के अंदर एक आतंकवादी हमला होता है कश्मीर के अंदर। अब ये इलेक्शन के टाइम पर जो हमला होता है, ये इत्तेफाक था या नहीं था, ये तो खैर ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर समझे, बट उसकी जो जांच थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, इस पर तो सवाल खड़ा होता है। अब बात करते हैं उस ट्रिक की। देखिए, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लगभग सभी धर्म पर आधारित भाषण देते हैं, जिससे कि जो मुस्लिम जनता है वो भड़क जाती है और वो फिर हिंदुइज्म के अगेंस्ट बोलने लग जाती है, जिससे कि हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम्स के अगेंस्ट भड़क जाती है और उनका बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट हो जाता है। अब सरकार बनाने के लिए तो 50% से जस्ट एक सीट ज़्यादा की ज़रूरत होती है, और अकेली 80% सीट्स अगर उन्हें हिंदुइज्म के थ्रू मिल रही है तो फिर उन्हें मुस्लिम्स वोटों की फिर चिंता क्या है। तो दोस्तों, ट्रिक यही है कि मुस्लिम्स को भड़काओ ताकि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोले और उन्हें हिंदुओं का सपोर्ट मिले। देखिए, मैं यहाँ रिलीजियस बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे जेन्युइन लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे कमेंट में आकर सही बता सकते हैं। और इसका तोड़ ये है कि जैसे ही जब बीजेपी के मिनिस्टर्स मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोले तो मुस्लिम्स को उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जब तक मुस्लिम्स मोदी के अगेंस्ट बोलते रहेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे, तो भाई साहब लिख के ले लीजिए, मोदी को कोई हराने वाला है नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी जस्ट मेरी राय, मेरा सोचना था ये। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, ज़रूर कमेंट में आकर बताइएगा। अगर मेरी राय आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और अगर बढ़िया लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।